तो गाइस शूट के लिए हम जीरो पहुंच गए हैं और हम हैं नानी दीदी के घर में। हाय। और अभी अंजू सांगमा मेरे लिए प्रिपेयर कर रही है, आप पता नहीं डिश इसे क्या कहते हैं, ये सियामा है, ये तलेयामा, ये तलेयामा, तलेयामा सियामा, और ये पीला, और ये है पीला। ओके, आप पता नहीं का मेन डिश ये सिंपल वाला हम बनाए, ये आप पता नहीं खिचड़ी है, और ये सुडो है ना, सुडो कॉम्बिनेशन, और साथ में है ये पीला। दीदी के घर से अभी हम निकले हैं, अभी हम क्रू मेंबर्स से जितने भी कैमरामैन हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सभी से मिलने के लिए आए हैं। आज से हमारा शूट शुरू होगा और ये है अंजू सांगमा। हाय। हालत खराब है ना, बहुत थक गया ना। नहीं। तो गैस उस वाले रूम में अंजू मेकअप कर रही है और इस वाले रूम में हमारे कैमरामैन भैया और उनकी टीम है, आगम कुतुम भैया। हेलो, हाय, हेलो, हेलो, अपना तो नाम बता दीजिए। तो ये है बॉस, हमारे बॉस। एक्चुअली पहली बार हम लोग ऑफिशियली काम करने जा रहे हैं। एक्चुअली तलोक पादुंग सर के में भी किया था, बट उसमें तो बहुत अनऑफिशियल था ना, तो अभी पहली बार काम करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को रिजल्ट देखने को जल्द मिल जाएगा। और यहाँ पे अंजू सांगमा का मेकअप चल रहा है, हमारी प्यारी मेकअप आर्टिस्ट। हेलो, हाय, हाय, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तानिश छोइकिया है। आप कहाँ से हो? गोगामुख ना। ओके, तो पड़ोसी ही है। हाँ। ओके, मेकअप आर्टिस्ट काफी अच्छी, तो इनका वीडियो में ठीक है, आपको म्यूजिक एल्बम में देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द इनका काम। अंजू का मेकअप इज डन, इट्स माय टर्न नाउ। यहाँ पे पिंपल को छुपाने की कोशिश की जा रही है, कितना हो सकेगा वो तो पता नहीं है। अभी वो DSLR में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेकअप नहीं करने से भी होगा, लेकिन आपका जो पिंपल्स होके रखा है ना, वही तो। मामर्थ उस दिन लगाना बंद कर दिया था ना, एक मामर्थ करके एक प्रोडक्ट है अच्छा सा, वो लगाना बंद कर दिया था ना उसी वजह से, सर तो वापस लगाना शुरू करना पड़ेगा। कर लीजिए। मुझे बोलना टन। तो फाइनली मेकअप कर लिया है और मेकअप करने के बाद मेरा पूरा पिंपल गुम हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। आई थिंक पता नहीं गोप्रो में कैसा लग रहा होगा, बट जब म्यूज़िक एल्बम शूट होगा और जो वीडियो क्वालिटी होगा म्यूज़िक एल्बम में, उसमें बहुत अच्छा आएगा स्किन, ऐसा लगता है मुझे। तो देखते हैं, आप लोग बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। इन्हीं कपड़ों में मेरा शूट भी होगा, तो पूरा रेडी हूँ मैं। तो गाइस अभी हम जिस रिजॉर्ट पे बैठे हुए हैं, इसी लोकेशन पे हमारा अभी वीडियो शूट होगा। और वीडियो शूट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में बताना चाहूँगा। ये दोनों ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड, और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि US डॉलर्स, यूरो वगैरह भी, और आपको 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चूज करना है और फोरकास्ट करना है कि उस एसेट की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। देखिए मैं आप सभी को एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं 700 रुपये का ट्रेडअप में करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। और अब यह अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में बस 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट बस 350 रुपीज़ है। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी, यानी कि जैसे आप 400 रुपीज़ का टॉपअप कीजिए और 800 रुपीज़ पाइए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से बिनोमो डाउनलोड कीजिए और 65,000 रुपीज़ अपने डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स, एंड आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? तो गाइस हमारा फर्स्ट लोकेशन होगा पेचीपुटू 0 में, और बुरे में जो होने वाला था वो शाम को होगा। तो अंजू, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? I am feeling so excited. Excited na? Okay. तो गाना का बस एक मुखरा सुना देता ना, शुरुआत का बस। भरी हुए हैं दिल की दुआएं, ख्वाहिश बन के बरसने लगे तुम। इतना काफी है गाइस। और आना है।
बार बार टैक्स लेना पड़ रहा है, मुझे धीरे धीरे करके आएगा आएगा। तो गैस हमारा जो शूटिंग का टाइम है, हम लोगों ने 2 दिन का टाइम लिया है क्योंकि जितना दिन रहेंगे उतना कॉस्ट उतना एक्सपेंसेस बढ़ेगा, तो इसीलिए 2 दिन के अंदर जैसे भी ख़त्म करना है। और ये 4 मिनट का जो गाना है वो हमारे ऊपर है कब ख़त्म होगा, अगर हम लोग जितना ज़्यादा टेक्स लेंगे उतना लेट होगा ख़त्म करने में। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये एक्सपीरियंस मतलब अच्छा है। अंजू भी बहुत ही कंफर्टेबल है, मैं भी बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। मतलब जब भी हीरो हीरोइन दोनों के बीच में शूट होता है ना, तो कंफर्ट बनाना होना चाहिए क्योंकि नहीं तो वो वीडियो में दिखता है। हाँ, दिखता है एक्जेक्टली। अब ऐसा नहीं है कि हम दोनों कंफर्टेबल है, ये इसका मतलब वो नहीं है। होना पड़ता है क्योंकि हमारा काम है। और ऐसा नहीं कि जो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं वो लोग शरीफ होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, बस वो लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं। थैंक यू अभी हो रहा है करना है। इसका फेवरेट है वो, झुकेगा नहीं साला। नहीं, कल तो दूसरा बोला था ना। अभी एक सीन ऐसा था जिसमें मुझे ऐसे गाल को ऐसे टच करना होता है, पूरा मेरा हाथों में मेकअप आ जाता है, उंगलियों में। देखो आपका मेकअप आ गया। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम नाउ। चलो 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 चलो, यहां पे देखो, यहां से आ गया ना। आने के बाद इसको ऐसे पकड़ना है फिर ये, लेकिन ये नहीं किया था, ये एक बार ही बस इसको करने का, फिर इसको ऐसे टच करके ये हाथ को लेके। तो गाइस अभी हमें सीखे लेग में और एक सीन शूट हो गया है, अभी ड्रेस भी चेंज कर लिया, अभी दूसरा सीन शूट होगा। काफ़ी अच्छा जा रहा है, फास्ट जा रहा है सीन, और हीरोइन ने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया, मैंने भी कर लिया है। तो सार सिंबल टू ऊपर, 1.5 लाख का लेंस, 4 लाख का बॉडी, 1.5 लाख का लेंस, 2 लाख का लेंस, 2 लाख का लेंस, 4 लाख का बॉडी, 6 लाख टोटल। ओके, ये 50,000 ये मेरे पास है, 1.5 लाख। ओके, आप लोग बहुत ही गरीब हो। बहुत ही ज्यादा गरीब है। स्पीकर बहुत दाम है, बाकी ये सब बहुत सस्ता है। तो गाइस आज का शूट कंप्लीट हो गया है, अभी हम जाएंगे मार्केट बलून लेने जाएंगे, रात को हमारा वेडिंग सीन होगा तो वो सब भी दिखाएंगे, उसके लिए बलून की जरूरत है। तो गाइस अभी है रात का सीन, अभी हमारा वेडिंग सीन होगा एंड आई एम ऑल ड्रेस्ड अप। और मुझे लगा था कि आज मैंने मेकअप लगाया था बहुत हैवी, तो जो ज़ीरो का धूप है बहुत स्ट्रांग होता है, एकदम स्किन को जला देता है, तो बच जाएगा सोचा था, लेकिन नाक ऑलरेडी मेरा लाल हो गया है, फिर से रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए सनस्क्रीन SPF 50 का तो एटलीस्ट लगाइए। तो गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ। तो ये भैया है जो मेरे पापा का रोल कर रहे हैं, नकली पापा आज के लिए। भैया अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम हागे ताना है। हागे ताना, उसके थैंक यू सो मच, हम इतने दूर से आए हैं यहाँ पे शूट करने के लिए और आपने इस रोल को एक्सेप्ट किया, हमारी मदद कर रहे हो, थैंक यू सो मच भैया। और ये दीदी मेरी मम्मी का रोल कर रही है, हेलो दीदी, हाय। आपका नाम बता दीजिए। आपको भी थैंक यू सो मच मदद करने के लिए। एंड आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो अभी। आ जाइए मेकअप लेने। उठ जाओ, मेकअप करना है मेरा। आपके लिए रुक रुक के।
तो गाइस आज अगली सुबह तो आज हमारा आखिरी शूट है और जितना भी शूट हुआ है मैंने वीडियो को देखा था अच्छा लग रहा है। मैंने डायरेक्टर को शुरुआत से बोल दिया था कि एक्टिंग अच्छा नहीं होने से भी चलेगा, बस हैंडसम दिखना चाहिए। एक्टिंग से क्या लेना देना, हमको तो एक्टर तो बनना है नहीं ना, हैंडसम दिखने से हो गया और हीरोइन सुंदर दिखने से हो गया। एक्टिंग भी चाहिए होता है ना। तो अभी जीरो वैली रिजॉर्ट से अभी हम आए हैं जीरो पैलेस इन में, अभी यहाँ पे शूट होगा हमारा। और इस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी लोगों ने हमें मदद किया है, स्पेशली जिन्होंने मेरे पापा मम्मी का रोल किया था उनको भी थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा थैंक्स अंजू संगमा को कि इनके वजह से ही आज मैंने ये गाना को गाया है जो गाना रिलीज होने वाला है। आपको थैंक यू सो मच। शी इज़ अ प्रोड्यूसर, सब कुछ है एकदम, मतलब शी इज़ ऑलराउंडर एकदम। और मुझे लगता है कि एक दिन बहुत बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जरूर, अभी से ही हूँ मैं। वही तो, अभी से ही हो ना, तो अच्छा है। मतलब ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो फ्यूचर में मेरे लिए कुछ नौकरी होगा तो मुझे आप देना। एक आईफोन भी दे सकते हो मुझे। इनके पास सारा आईफोन है, घर पे रखा है। एक भी नहीं मेरे पास, एक भी नहीं है। मेरा भी एक ड्रीम है आईफोन खरीदने का, लेकिन ऐसा तो मत बोलो, दुनिया बस मैं लालच ही कर सकता हूँ। नहीं, दुनिया को पता है आप एक ही मिनट पे कितना आईफोन खरीद सकते हैं। है कि नहीं बताइएगा, वो बताइए आपको जीरो कैसा लगा, आपको फर्स्ट टाइम है ना। नहीं, जीरो बहुत अच्छा है, वैसे अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, बस जीरो ही नहीं, यहाँ पे सब कुछ सभी जगह अच्छा है। सबका अपना अपना स्पेशलिटी है ना, जगह का ना, सब अपने अपने जगह पर सुंदर है। एक्जेक्टली, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सो फ्रेंडली, बहुत अच्छे। एंड गाइस हमारा शूट भी ख़त्म होने वाला है तो इसलिए मैं सबसे मिलवा रहा हूँ आपको। और हमारे डायरेक्टर सर, वीडियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर, सब कुछ आगम कुतुब भैया, आपके साथ पहली बार मैं ऑफिशियली काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। आपका चैनल भी है ना, आपका चैनल का नाम एक बार बताइए। आगम कुतुब वीडियोस। आगम कुतुब वीडियोस, इनके चैनल में मिलियन में व्यूज़ जाता है, बहुत ज़्यादा मिलियन में व्यूज़ जाता है। तो आप इनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स, वीडियोग्राफी, सब कुछ देखने को मिलेगा इनके चैनल में। मूवी वगैरह भी आएगा तो फ्यूचर में, है ना। श्योर, तो थैंक यू सो मच भैया, काम करना चला। ये है मिस ओकी, यहाँ की रिसेप्शन मैनेजर। थैंक यू सो मच जीरो पैलेस इन का हमें वेन्यू देने के लिए, शूटिंग के लिए। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपको भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे तो बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहा था आपको, कब मिलने वाले। कोइंसिडेंट हो गया ना, आप खुद ही आज मिलने आ गया हमको, ऐसा समझो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। उतरो, कैमरा को क्यों देखता है? LOL Ready? Rolling? Action! Cut, come on. Cut. Acha dekh kar do. Rolling? Action! अच्छा आ रहा है ना, एक्टिंग अच्छा नहीं उनसे, हैंडसम आने से हो गया बस। बड़ी सिद्धतों से तुम्हें चाहा है, बड़ी मन्नतों से तुम्हें पाया है, बड़ी सिद्धतों से तुम्हें चाहा है, बड़ी तुम्हें। तो गैस फाइनली हमारा शूटिंग कंप्लीट हो गया, मेरा फर्स्ट ऑफिशियल हिंदी डेब्यू सॉन्ग रिलीज होने वाला है इस मई के महीने में ही होगा अंजू सांगमा के चैनल में। तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि वो गाना अपलोड होते ही सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाए। और जो ये वाला व्लॉग था बहुत ही कट 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 होके हुआ होगा क्योंकि हम पूरा नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि अगर व्लॉग में ही सब कुछ रिवील हो जाएगा तो म्यूजिक वीडियो में क्या देखने को मिलेगा ना। तो बहुत अच्छा लगा सभी के साथ काम करके। तो ये अगम कुतुम भैया के टीम मेंबर्स है, ये लोग भी साथ में काम करते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही इनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आज तक मैंने जितने भी म्यूजिक वीडियो वगैरह किया था, अपने दोस्तों के साथ किया था उसके बाद सब कुछ फ्रीली किया था, तो आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम है मेरा। तो आप लोगों के साथ भी फ्रीली ऐसा नहीं है, लेकिन वो कि आप लोगों के साथ काम करके बहुत ही प्रोफेशनल वाला है ना, बहुत अच्छा लगा। एक लाइटमैन अलग से है, एक कैमरामैन अलग से है, उसके बाद एक ड्रोन शॉट लेने वाला अलग से है, एडिटर अलग से है, तो वो चीज़ जो बहुत ही मतलब सेटिस्फाइड लगा मुझे। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपका साथ भी काम करके, अच्छा लगा। फिर दोबारा फ्यूचर में ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू भैया। बहन अंजू सांगमा के साथ आई है, एक्चुअली अंजू सांगमा की बेटी लगती है, वो उनकी मासी है, इनकी मासी है, तो आपके साथ भी अच्छा लगा। आप बहुत ही क्यूट हेल्पर हो एंड शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। कभी दिन इनके साथ और इनका जो भाई है कैस्पर, इनके साथ भी गाना गाना, आप तो पासीघाट में रहते हो ना, तो हम लोग साथ में ज़रूर काम करेंगे, आपकी मासी नहीं होने से भी हम लोग काम करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू। और कहाँ मैं आगम को तुम भैया, आपके साथ काम करके एकदम बहुत बढ़िया लगा, एक्सपीरियंस एकदम अलग ही था। थैंक यू। और आपका अभी तक टोटल कितना वीडियो बताया था आपने, बताइए एक बार फिर कैमरा में, अभी तक आपने कितना वीडियो बनाया है? बस 600 के आसपास, 600-700 सब नहीं गए कभी। कितने सालों के अंदर? ये 2004 से 700 वीडियो बनाए हैं उन्होंने, और इनका चैनल भी खुद का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनके वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, एक बहुत प्रोफेशनल वाला, और साथ ही साथ मैं पहले भी बोला था अंजू के ब्लॉग में, आपका जितना भी आपका टीम मेम्बर्स है, कैमरामैन है, ड्रोन शॉट लेने वाला है, लाइटमैन है, हेल्पर है, और मेकअप आर्टिस्ट है, तो सभी के साथ आपका बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि इतना साल हो गया काम करके आप लोगों को साथ में इतना साल हो गया, बट स्टिल आप लोगों का बॉन्डिंग अभी तक टूटा नहीं है, आप लोग टीम वैसा का वैसा ही है ना। तो कुछ तो बात है आप में कुछ तो बात है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड कहा जाता है कि ये मिसिंग कम्युनिटी के सलमान खान है। नहीं अभी तक शादी नहीं की है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है, शादी नहीं की है लेकिन। तो आप थोड़ा, लेकिन मेरे तरफ से ऐसा छोटा भाई, मेरे तरफ से ये सजेशन होगा कि काम भी कीजिए लेकिन थोड़ा रेस्ट भी लीजिए। हाँ, वो थोड़ा देख के आपको बहुत थका हुआ लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा रेस्ट भी लीजिए। आपके साथ बहुत अच्छा लगा भैया, हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो अभी फ्यूचर में ज़रूर साथ में काम करेंगे। sure. अभी मेरा भी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही होगा। थैंक यू भैया। कोई बात। तो अभी मैं हमारे भाई से मिलवाना चाहूँगा, अभी भी मैंने इन सब को फॉलो किया है इंस्टाग्राम में, इन्होंने भी मुझे फॉलो बैक किया है, तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मथन बर्मन है। मथन बर्मन लखीमपुर से है ना? हाँ। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हो वैसे? तो साइड से तो ड्रोनोग्राफी काम कर रहा हूँ। हाँ। और मैं स्टडी भी कर रहा हूँ इससे। ओके, तो अगम को तुम भैया का फीस ज़्यादा होने से हम आपको चुपके से बोलेगा, कैमरा चोरी करके आऊँ उसका, हम दोनों बना लेगा अलग से। ठीक है, तो आप भी अच्छे से लाइफ में सक्सेस रही है, मतलब मेरा तरफ से ऐसा बड़ा भैया ये आपके लिए विश है, और साथ में काम करेगा हम फिर से बहुत जल्दी ना। और अगम को तुम भैया का साथ जल्दी मत छोड़िए, क्योंकि फ्यूचर में तो एक दिन भैया, जैसे कि ये देखिए, ये भी तो एक दिन बड़ा होगा और ये भी एक्सपीरियंसड होगा, तो ये भी खुद का प्रोडक्शन तो खोलेगा, वो तो अलाउ करेगा आप भी ना। वो बस वही कि मतलब बहुत कुछ सीखना बाकी है इनसे, लेकिन तो ये फील्ड में रहते हुए इतना एक्सपीरियंस इंसान के साथ आप हो ना, तो फायदा उठाइए मतलब, और भैया का साथ दीजिए, उसके तब फ्यूचर में आपको भी हेल्प मिल जाएगी। मेंटर ना, तो वो ऐसा गुरुजी है। तो ऐसा हो कि क्या होगा कि आप मतलब खुद का बाद में खुद मतलब खुद भी आप बड़ा के कुछ बन जाएगा ना, मतलब खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लेगा, तब भैया जो आपको कंपटीशन नहीं मानेगा वो आपके लिए प्राउड फील करेगा, हम इसका मेंटर था और ये आज ऐसा बन गया है, कितना प्राउड फील होगा। क्योंकि भैया भी तो परमानेंट, तो कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होता, एक दिन तो छोड़ना ही है, बॉडी साथ नहीं देगा, एक बूढ़ा हो जाएगा ऐसा तो होगा, तो तब ये लोग ही हम लोग का फ्यूचर है ना। आप लोग ही हमारे फ्यूचर हो, तो ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। और सभ्य ब्रो, ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करने में बहुत बिजी है। दोस्त, नमस्ते। सिनेमेटोग्राफर है, इतने यंग एज में। आपकी उम्र कितनी है? 23 इतने कम उम्र में? ओके, मैंने आपका काम देखा है, और आगम भैया का काम तो देखता ही हूँ, और आपका काम पर्सनली देखा है, तो ही इज़ अ वेरी सिंसियर गाय। काम के टाइम में मतलब काम तो काम ऐसा है, तो उल्टा मैं सभी से सीख रहा हूँ यहाँ पे, किसी किसी से उम्र में बड़ा हूँ, किसी किसी से उम्र में छोटा हूँ,
लेकिन सभी से कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, शायद ये लोग भी मुझसे कुछ सीख रहे होंगे, तो अच्छा लगता है, तो साथ में काम करेंगे फिर से। नाइस टू मीट यू ब्रो। और अच्छा से और सब्सक्राइब हिम, थैंक यू सो मच। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, यू आर सो स्वीट, थैंक यू। उसके बाद क्या बोलने वाला था, और आप जैसे आगम भैया के साथ काम कर रहे हैं, बहुत साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हुए, तो आपका डेडिकेशन उसी से दिखता है, तो ऐसे ही डेडिकेशन के साथ काम करते रहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और मैं प्रे करूँगा कि एज अ लेंसिंग भैया कि आपको फ्यूचर में एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिलो। तो अंजू के ब्लॉग में भी बोला है, अभी भी बोलूँगा कि थैंक यू सो मच, मुझे साथ में मतलब एक्चुअली हिंदी गाना का जो ऑफर था ना, इन्होंने ही दिया था मुझे। आज ये नहीं होते तो मेरा हिंदी डेब्यू सॉन्ग कितने साल के बाद रिलीज होता भगवान ही जानते। तो अभी एक बार जो चीज़ शुरू हो जाता है वो तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, तो शायद और भी मेरा ऑफिशियल सॉन्ग्स आता रहेगा फ्यूचर में, हिंदी हो लोकल लैंग्वेज में हो। तो आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे भी। ओके, और मेन बात जो गाना है ना बहुत अच्छा लगा, तो फिर से मैं अभिनव ब्रो को शाउट आउट दे दूंगा कि जो अभिनव ब्रो है उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना कंपोज किया है, उनके जो भी टीम है उनका सभी का नाम तो मुझे नहीं पता, तो उनकी टीम ने मिलकर जो भी काम किया बहुत ही बढ़िया काम किया है, म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा गाना है वो भी आप लोगों को पसंद आएगा। इनके चैनल में आपको देखने को मिलेगा, अंजू सामा के नाम से है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अपलोड होते ही आप लोगों को हमारा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो देखने को मिल जाए। तो ये अगम भैया का दावा है कि 14 डेज में 1 मिलियन व्यूज जाएगा, तो देखते हैं ना आपका भी ना। वीडियो में ना अगर कुछ भी मतलब जैसे कि मुझे आप लोग ऐसा हीरो ऐसा रोमांस करते हुए देखने का आदत नहीं है ना आप लोग को, तो ऐसा वीडियो में कुछ है रोमांटिक सीन्स है तो मतलब क्रिंच फील मत करना मुझको लेके, क्योंकि गाने में ध्यान देना, गाना बहुत अच्छा है। वीडियो सिनेमेटोग्राफी तो अच्छा है लेकिन मेरे एक्टिंग में ध्यान मत देना, गाने में ध्यान देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपको भी। कल हाँ तो हमें साथ में ही ईटानगर जाना है, फिर भी मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है। प्लीज़ देखना ना भूलिएगा, मई के महीने में रिलीज होगा, कब होगा मैं अपडेट दे दूंगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए उसके लिए। और जैसे कि इन्होंने बताया कि गाना जो है वो ऑफिशियली मेरे चैनल पे होगा। हाँ, अंजू संगमा, मेरा नाम भी अंजू संगमा है, यूट्यूब चैनल भी अंजू संगमा ही है, तो वहीं पे अपलोड होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।